लेकिन अब वो अकेली रहती हैं तो ज्यादा खाना नहीं बना पाती, इसलिए अच्छा है थोड़ा ही खरीदो। पैसे और टाइम दोनों बचाओ, और जब कभी हमें कुछ और खाना होता है तो हम खाना शेयर कर लेते हैं, जैसे नूडल्स, मोमोज, स्प्रिंग रोल। हमने पैकेट वाला बहुत खाना ट्राई किया है अभी तक। पैकेट वाले खाने तो बेकार होंगे। मार्केट के बाहर ही एक रेस्टोरेंट है, हम कई बार वहां खाना खाते हैं। लेकिन वेटर को कोई प्रॉब्लम थी क्योंकि हम दो सीट्स ले लेते थे, तो उसने दो बार हमें बाहर निकाला, और हम शरीफ लोग हैं तो उसके बाद हमने वहां जाना ही बंद कर दिया। ऐसा मुंह क्यों बनाया है तुमने? मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। सॉरी। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि बूढ़े होने के बाद जब माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं उन्हें कैसा लगता होगा। कहते हैं ना, बूढ़े होना एक सजा है, खासकर अगर आप अकेले हो तो। हम कहीं भी जाएं, हम बोझ और मुसीबत ही हैं। पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। हाँ, ये देखा हुआ लग रहा है। मतलब तुम कह रही हो कि मैं बिल्कुल नहीं बदला? चेंग हाओ, चेंग होंग तुओ। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? दांत दर्द हो रहा है। ओ, दांत दर्द है तो डॉक्टर को दिखाओ। चिंता मत करो, मेरे बेटे का नंबर ले लो। फोन कहाँ गया? क्यों, क्या आपका बेटा सच में डेंटिस्ट है? अरे डिग्री ली है उसने, बढ़िया डेंटिस्ट है। तुमने सफाई कर दी, अब मुझे फोन नहीं मिल रहा। अब हाँ मिल गया, ये रहा। क्या आपको पता है ऐसा भी प्रोफेशन है जिसे डेटिंग कंसल्टेंट कहते हाँ? हैं? क्या बात कर रही हो? हाँ, जैसे वो पंडित होते थे ना जो आपके टाइम में शादियां करवाते थे, या आपके मनपसंद लोगों से जोड़ी बनाते हैं। आपको जो भी पसंद हो उसके बारे में आपको इन्हें बताना होता है बस। तो वो क्या करते हैं ना कि आपको उनसे मिलवाने के तरीके निकालते हैं और आपको मिलवाते हैं, और ये आप जैसे लोगों के लिए कितना अच्छा है। ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। पता है मेरा एक दोस्त है, उसने आज तक पता नहीं कितने लोगों को मिलवाया है। आप ट्राई करना चाहोगे?
नहीं रहने दो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये डेटिंग सुन के लोग मजाक उड़ाते हैं। तो यांग आंटी पसंद नहीं है आपको, सब ऐसा ही बोला? पसंद है, बहुत पसंद तो है। डरने की क्या बात है, मतलब आपका मजाक ना उड़े इसलिए आप जिंदगी की खुशियाँ छोड़ दोगे? आप ये पैकेट वाला खाना खाते रहोगे? ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं काम करती हूँ, आपकी उससे मीटिंग करवाती हूँ, फिर आप बताना, ठीक है ना? चलिए मैं अब चलती हूँ, आप आराम करिए। आप बैठ जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी, बैठिए। आप क्यों आ रहे हो मुझे छोड़ने? छोड़ने नहीं आ रहा, खाने का टाइम हो गया है तो अपने लिए खाना लेने जा रहा हूं मैं। लेने क्यों जा रहे हो, ऑर्डर क्यों नहीं कर लेते घर पे? आपको जो भी खाना है मुझे बता दीजिए। ए, कहां चले? आज कहां चल रहे हैं हम? हाँ, मैं नहीं जा रहा, तुम देख लो, तुम्हें अगर कहीं जाना है तो। ए, रुको 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 रुको, ये कौन सा तरीका होता है, हम साथ में जाते हैं ना हमेशा। तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ, घर जा रहा हूं मैं। इतना अकड़ क्यों रहे हो भाई? ए, क्या हुआ? वैसे तो बहुत मजा आता है तुम्हें बार्स में लड़कियों को ताड़ने में, अभी अचानक लुओ की वजह से ये क्या, ये सब करना पाप हो गया तुम्हारे लिए? इस सब का लुयो इससे क्या लेना देना है, और वैसे भी मैं बाहर लड़कियां ताड़ने नहीं जाता हूं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अच्छा जरा मेरी आंखों में देखो, देखो ना, तुम्हारी आंखों में कचरा है, कचरा। मजाक नहीं, पता है मैं तुम पर और लुओ पर नजर क्यों रखता हूं जानते हो? खाली हो तुम, कुछ काम करने के लिए नहीं है ना तुम्हारे पास? ठीक है, वो वजह भी है, लेकिन असली वजह है कि तुम दोनों का मेल नहीं हो सकता, समझे? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, और लुओ यू जैसी लड़की से दूर रहना चाहिए। जब लड़के को सिर्फ मजाक करना होता है ना, और लड़की सीरियस रिलेशनशिप के लिए मांग करती है, तो उस लड़के की शामत आती है। किसको मजे करने है? मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूं। हाँ, तुम अलग हो ना, तुम तो संतों से भी महान हो, है ना? लेकिन ये मत भूलना, जब से उससे मिले हो तीन बार पुलिस स्टेशन जा चुके हो, इसका मतलब समझते हो पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है उससे तुम्हारी, उससे पीछा नहीं छोड़ोगे तो मरोगे। मैं बड़े भाई की तरह तुम्हारी चिंता करता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, भूल जाओ उसे, समझे? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ लड़कियों से मिलने, बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो सर, आपकी डिलीवरी है, मिस्टर चेंग होंगडू यहाँ पर रहते हैं ना सर? हाँ हाँ। ओके सर, ये आपके लिए है। ओके सर, यहाँ पर साइन करिए, यहाँ पर इस बॉक्स में। नाम लिख दो अपना। हाँ लिख दीजिए। क्या है ये, मैंने ऑर्डर नहीं किया है। ओके ठीक है, थैंक यू, लीजिए। हाँ अब मैं चलता हूँ मिस्टर चेंग। ये दरवाजा बंद कर दो। श्योर सर। ये ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं, बेकार सामान मिलता है। चलो तुम्हारा सामान आ गया है, क्या मंगाया है इतना भारी? हे भगवान, इसने तो सारा धुआं खींच लिया, ऑटोमेटिक है क्या? आपको अपने ही सामान के बारे में नहीं पता? ए, मुझे नहीं पता, बेटे ने लगाया है। मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये क्या बताओ? खाना बन जाएगा तो बुला लूंगी, आप आराम करिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। लीजिए खाना रेडी है, मटन और फिश, ग्रिल चिकन, हक्का नूडल्स, मंचूरियन ग्रेवी और मेरी बेस्ट डिश चीज
केक। सुन के ही भूख लग गई क्या? मैंने ऐसा खाना तो महीनों से नहीं खाया है, तुमने तो दिल खुश कर दिया मेरा। इतनी भी तारीफ मत करिए, मेरी आदत नहीं है मुझे। अब गर्मा गर्म खा लीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर मुझे जाना भी है। अच्छा लगा? पहले तो तारीफ कर रहे थे, तुमने मेरे सोए हुए जज्बात जगा दिए। घर में खाना बने तो लगता है कोई रहता है, लगता है घर जिंदा है। अगर आपको खाना अच्छा लगा तो मैं रोज बना दूंगी। खाली टाइम में मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, शौक है मुझे खाना बनाने का, लेकिन कुछ दिनों से बना ही नहीं पाई। शालू, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। अफसोस की बात है, तुम इतना अच्छा खाना बना दियो, कोई बहुत किस्मत वाला लड़का होगा जो तुमसे शादी करने वाला है, सपने में दिख रहा होगा वो तुम्हारे। अंकल चेंग, मुझे काम पर जाना है, आप आराम से खाइए। इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। छुट्टी तो नहीं है तो ये स्पेशल खाना किसके लिए है? बैठे बैठे पागल हो रही थी, टाइम पास कर रही हूं। मैं कर दूं। तुम्हारी रिंग कहाँ है? तुमने कहा ऑफिस में है, अभी तक मिली नहीं। वो कहीं खो गई शायद, वैसे भी पुरानी हो गई थी, कल दोनों नहीं ले आते हैं। वेडिंग रिंग पुराने होने की शिकायत कौन करता है? हम जोड़ी ले लेते हैं इस बार। उससे क्या होने वाला है? खुद को भी धोखा दो। सॉन्ग निंग्यू, किस बात के लिए इतना चिढ़ रहे हो तुम? बहुत हो गया, मैं कुछ भी बोलूं तुम बस ताने मारती हो और मुझे कोसती रहती हो। गुयाओं, मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। मैंने अपनी तरफ से हर तरह से पूरी कोशिश की कि तुम्हें मना सकूं, वो सब कुछ किया जिससे तुम्हें बुरा ना लगे। मुझे बिजनेस के लिए भी वापस बीजिंग जाना था, लेकिन मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। लेकिन जब से मैं घर में वापस आया हूं, बस यही डर है कि किस बात से तुम गुस्सा हो जाओगी, इसलिए बस दिन भर तुम्हें खुश करने में लगा रहता हूं, लेकिन तुम खुश नहीं होती। देखो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर तुम्हें मुझे माफ करना ही नहीं था तो तुमने मुझे वापस घर में आने क्यों दिया? तो आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम माफी मांगोगे और मैं माफ कर दूंगी? मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उसे सुधारने में वक्त लगेगा, लेकिन हम कोई बच्चे नहीं हैं, तो हम बच्चों जैसे पूरा दिन बस लड़ नहीं सकते। तुम पूरा दिन बस ये करती रहती हो, बस मुझे सुनाने का मौका ढूंढती रहती हो।
अभी भी इससे निकलना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ ये सब, लेकिन इससे नहीं भुला पाती। जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ उस धोखे की याद आती है जो तुमने दिया है, इसलिए नहीं भुला पाती। पता है क्यों मैं नहीं भुला सकती जो हुआ? क्योंकि अब मेरे लिए ये कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी चैट, तुम्हारी पिक्चर्स, वीडियो, वो सब देखने के बाद नहीं कर सकती मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा। उस मेल ने हमारी शादी को तोड़ के रख दिया है और मैं जोड़ नहीं पा रही उन टुकड़ों को। और तुम्हें पता है वो सब टुकड़े चुभ रहे हैं मुझे। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम ही बताओ कैसे जोड़ो इन टुकड़ों को। ओके, तुम जो फैसला करना चाहती हो तुम करो। मैं तलाक नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। तुम्हें सच में तलाक चाहिए? इतना कुछ तो हो चुका है, तुम्हें क्या बदनामी का डर है? मैं ये नहीं कह रहा, डिसाइड नहीं कर पा रही हूं, लेकिन लगता है कि एक मौका और देना चाहिए शादी को। ये साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी है, शादी को बचाने के लिए हमारी मदद कर सकती है। हम खुद तो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके पास आना ही सही लगा मुझे। थैंक यू इस मौके के लिए। उम्मीद है कि जब वो तुमसे सवाल पूछेगी तो तुम उन्हें सच बताओगे। बिल्कुल। कितने साल हो गए शादी को तुम्हारी? 7 साल। बच्चे हैं आपके? नहीं। पर चाहिए। तो 7 सालों में आप दोनों को कभी ऐसा लगा कि डिवोर्स लेने की जरूरत पड़ गई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगा। नहीं लगा। आगे के सवाल जरा मुश्किल होने वाले हैं, तो आप दोनों जरा सोच के आराम से जवाब दीजिए। शादी के बाद अफेयर होना हमारी सोच और व्यवहार का नतीजा होता है। शादी के बाद हमें लगता है कि हमें जीवन साथी मिल गया है जो हमेशा हमारा बनकर रहेगा, लेकिन हमारा समाज हमें खुद के बारे में सोचने को कहता है, इसीलिए हम ये गलतियां करते हैं, धोखा देते हैं, शादी के बाहर खुशी ढूंढते हैं। शादी तब टूटती है जब भरोसा टूटता है और हम स्वीकार नहीं कर पाते उसका टूटना। जब हमारी शादी होती है तब हम एक दूसरे से उम्मीद रखने लग जाते हैं, भरोसा करते हैं। हम एक दूसरे से इतनी ज्यादा उम्मीद करते हैं कि वो प्यार करे, आपको संभाले, आपका ख्याल रखे और साथ ही साथ आपके माँ बाप की इज्जत करे। हम सिर्फ अपने पार्टनर में अच्छाई देखते हैं। हम यही समझते हैं कि हमारा पार्टनर दुनिया में सबसे अच्छा है और जब हमें उसमें कोई बुराई दिखती है तो हमारा प्यारा सा सपना टूट जाता है। मैं इसे सपना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज्यादातर यही होता है। उम्मीदें सपनों जैसी होती हैं हमारी, इसलिए जब टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। आप इस शादी को बचाना चाहते हैं,
मैं इन उम्मीदों को थोड़ा कम करके उन्हें सच्चाई के करीब लाने की कोशिश करूंगी। आप दोनों को इसके लिए तैयार रहना होगा और फिर हम देखेंगे रिश्ता कितना बेहतर होता है। ओके, हम ये रिश्ता बचाना चाहते हैं। आप बताइए हमें क्या करना होगा। ओके, मेरे पास इसके लिए कुछ सुझाव हैं। आप दोनों यहाँ से जब अपने घर जाएंगे अगले 72 घंटों तक बात नहीं करनी है। अगर कोई जरूरी बात कहनी है तो इशारों में कहो। कम्युनिकेशन का ये स्टाइल सबसे ज्यादा काम करता है क्योंकि इससे झगड़े होने की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर इशारों में भी बात नहीं समझ में आए तो आप लिखकर बता सकते हैं। लिखकर बताए? एक बोर्ड ले लीजिए और जो कहना चाहते हैं वो लिख दीजिए उस पर। और आप अपने फोन या मेल का यूज नहीं कर सकते हैं बात बताने के लिए। खासकर अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो पेन लेकर लिखिए उसे और लिखकर अपनी बात बोलिए। समझ गए? जब आप बोलेंगे नहीं एक दूसरे से तो आपको मजबूरन एक दूसरे की बातों को समझना पड़ेगा और टाइम के साथ आप समझ जाएंगे। बिना बात किए एक दूसरे को समझना मुश्किल होता है, पर टाइम के साथ साथ आप समझ जाएंगे और उसे पूरा करेंगे। जब आप एक दूसरे की तरफ कम ध्यान देते हैं तो शादी के कई साल बाद भी प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं। ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है।
बोलकर हम बहुत आसानी से एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन जब अपना राज होते हैं तब एक दूसरे को बुरा भला बोल ही देते हैं। लिखकर बताने में सोचना पड़ता है। जब आप सोचकर अपनी बात कहते हैं तब जाकर आपको समझ में आने लगता है कि कुछ बातें तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। आया। हाँ, अच्छी खुशबू है। मैं लेके आने वाला था ना खाना, आपने क्यों बनाया? चलो जल्दी करो, किचन में जाओ और उसकी मदद करो। हाँ, कौन खाना बना रहा है? हाँ, तुम यहाँ कैसे? खाना बनाने आई हूँ। जाओ एक साफ प्लेट लेकर आओ। चिमनी और कुकिंग सेटअप अच्छा है, यूज नहीं होगा तो खराब हो जाएगा ना, कुछ समझे? क्यों, होटल से निकाल दिया क्या? खाना बनाने का काम करने लगी? तुम्हारे बजट के बाहर हूँ। बहुत हुआ, सीधे बताओ क्या बात है ये? उनसे क्या काम है तुम्हें? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हो ना? अगर पूछना है तो अपने पापा से पूछ लेना। बात में खाना रेडी है। आपका फेवरेट मीट बनाया है। वाह वाह वाह। मैं आपके लिए खाना खाओ, खाना खाओ। बैठो 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 बैठो, चलो बैठो 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ यहाँ बैठो। इसे नहीं जानते ना तुम, मैं मिलाता हूँ। ये सामने वाले फ्लैट में आई हैं कुछ दिन पहले। लू यू पड़ोसी है सामने वाले फ्लैट में। यही है जिसके बारे में बताया था मेरा बेटा। तुम्हें कैसे पता? बताती हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। याद है मैं कह रही थी कि मैं एक दोस्त से मिलवाती हूँ जो जोड़ियाँ बनाता है, तो मेरा वो दोस्त यही तो है। मुझे नहीं पता था आपका बेटा है ये। अब तो और आसानी हो गई ना। सुनो तुम यहाँ ना। हाँ, क्या है ये? पापा के लिए खाना बनाने का प्लान बना रही हो तुम? तुम्हें मारने का प्लान नहीं बना रही। पापा को मेरे दूसरे काम का बताओगी तो वैसे ही मरने वाला हूं मैं। आओ मेरे साथ। क्या कर रही हो यहाँ? क्या है? देखो वहां पर वो दिख रही है। कौन? तुम्हारे पापा की पसंद, वो बीच में जो व्हाइट शर्ट में है, वो सबसे सुंदर वाली। यांग आंटी, वो स्कूल टीचर थी पहले, अब रिटायर हो गई हैं। उनके हस्बैंड भी नहीं रहे और बच्चे भी साथ नहीं हैं। तुम्हारे पापा की तरह अकेली हैं। एक मिनट रुको, मुझे पता है क्या कर रही हो तुम। बेटे को बोल रही हो बाप के लिए गर्लफ्रेंड, यानी अपने लिए मैं एक सौतेली माँ ढूंढूं। यही है ना तुम्हारे दिमाग में? कैसे आदमी हो तुम, अपने बारे में सोच रहे हो? सौतेली माँ वाली बात दिख रही है तुम्हें, पर अपने पापा के लिए पार्टनर ढूंढने की बात नहीं दिख रही। चुप रहो तुम, तुम्हारी नियत पता है मुझे और वो कभी अच्छी नहीं होती। मुझे जितना परेशान करना है करो, ठीक है, लेकिन मेरे पापा को नहीं। चंगहाओ, मैं एक महीने से यहाँ रह रही हूँ, तुम्हारे पापा की पड़ोसी हूँ और तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है। अच्छा ही हुआ ना फिर। उसका कारण ये है कि तुम अपने पापा से मिलने के लिए महीने में एक बार आते हो,
तुम्हें उनकी चिंता नहीं होती? वो सो के उठे हैं या नहीं, दिन कैसे काटते होंगे वो, उन्हें खाना बनाना नहीं आता ये पता है तुम्हें, फर्क पड़ता है कुछ? वो खाना रोज कहाँ से खाते होंगे, वो बूढ़े हैं, अकेले हैं, कोई बात करने वाला नहीं, कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए। सुन लिया मैंने और मैं समझ भी गया हूँ, लेकिन मेरे वो पापा हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। ओके, तो तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे, लेकिन मैं उनकी हेल्प करूंगी, यंग आंटी से उन्हें मिलवा कर रहूंगी, तुम चाहो ना चाहो। बाय बाय। हे ये बिल्कुल भी माँ जैसी तो नहीं है। पापा, पापा, मुझे काम याद आ गया, मुझे जाना है, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। सच बताओ, तुमने डेंटिस्ट का काम छोड़ दिया क्या? ये जोड़ी मिलाने का कौन सा काम है? वो भी काम है और डेंटिस्ट का भी, मैं दोनों करता हूँ और बेस्ट करता हूँ। इल्लीगल तो काम नहीं है या कोई बुरा काम? अरे इल्लीगल क्यों होगा, देखो आप, आपको पता है आजकल सब यही करते हैं, एक साथ दो दो काम। अगर आपके पास टाइम है, मौका है, टैलेंट है, तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम डेंटिस्ट हो, पढ़ाई की है तुमने मेडिकल की, अगर तुम इधर उधर जाके मोची की दुकान खोल लोगे तो भी मैं समझ सकता हूँ, समझे? लेकिन ये जोड़ियां बनाना, ये सब क्या काम कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें इतना छोटा काम करते हुए? बताओ मुझे। अरे आपके जमाने वाला पंडितों वाला काम नहीं है ये, मैं रिसर्च करके लोगों के बारे में जान के फिर उन्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये काम आसान नहीं है और ये कोई छोटा काम भी नहीं है। सब बकवास है। अगर इतना ही बड़ा काम है तुम्हारा तो एक बताओ जरा, मुझे किसी से क्यों नहीं मिलवाया तुमने आज तक? तुमने खुद तो जिंदगी में किसी से प्यार किया नहीं, अपने लिए तो तुम आज तक कोई लड़की ढूंढ नहीं पाए, तो दूसरों की जोड़ी कहां से बनाओगे? मतलब जिस रास्ते पर कभी गए नहीं उस पर चलना सिखाते हो? हो गया आपका? नहीं नहीं हुआ। आपको पता भी नहीं है इस काम के बारे में, आपने तो बस ये सोच लिया कि मुझे कुछ आता ही नहीं होगा। हाँ, मैं अपने लिए लड़की नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को मिलवाया है, पता भी है आपको? सुनो तो, कुछ लोगों को पूरी लाइफ प्यार समझ में भी नहीं आता है, कुछ लोगों को ऐसे ही पता लग जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों के साथ रहे। आपने आधी लाइफ माँ के साथ बिताई, उन्हें जानते थे? हाँ, बाकी सब तो छोड़िए, माँ को कभी आपने समझने की कोशिश भी की थी? उनके रहते जो नहीं कर सके, उसका उनके जाने के बाद आपको पछतावा नहीं होता? बताइए। चुप करो, अपनी माँ और मेरे बारे में बोलने का हक नहीं है तुम्हें। ठीक है, मैं आपके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन आप मेरे बारे में बोल सकते हैं बिना कुछ सोचे। जब लोग नहीं मिल पाते, उस दर्द से बचाता हूँ मैं, और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये, और कोई घटिया काम नहीं है ये, समझ में आ रहा है ना आपको ये? और आप इस उम्र में भी आप अपने लिए कोई नया पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हो क्या? बताओ, यही काम मैं करता हूं लोगों के लिए, इसमें गलत क्या है? तो सीधे मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, आपकी और यांग आंटी की बात पे। बात यह है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है करिए। चेंगहाओ ने बदतमीजी की आपके साथ? सारी जिंदगी मैंने उस पर गुस्सा किया और उसने सुना भी, लेकिन इस बार नहीं। उसने गुस्सा किया? अंकल मैं ये नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं,
जब वो बोल रहा था तो पिछली नाराजगी भी थी उसमें, फिर मेरी और यांग की बात की उसने, उसे शायद पसंद नहीं आई ये बात, तो छोड़ दो यांग को। नहीं, आप उसकी वजह से ऐसे छोड़ नहीं सकते। हफ्ते में 7 दिन हैं, 7ों दिन आप अकेले रहते हो, वो सिर्फ 3 घंटे आपसे मिलने आता है, बाकी पूरा हफ्ता आपको अकेले काटना पड़ता है ना? वो खुद क्या करता है बताइए? काम करता है, पार्टी करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन क्या आपका ख्याल रखता है वो? कोई पार्टनर मिलना आसान नहीं होता जिसके साथ आप बात कर सको, लाइफ बिता सको। एक कुत्ता रख लेता हूँ, लेकिन उसकी देखभाल कौन करेगा? कुत्ते इंसानों जैसे होते हैं क्या? हाँ, कहते हैं ना कि 60 के बाद लाइफ दोबारा स्टार्ट होती है। इस वक्त आपकी पहली पत्नी आपके साथ नहीं है, आप रिटायर्ड हो, बेटा बड़ा है आपका, माँ बाप नहीं है, तो अब तो अपने लिए सोच सकते हो कि नहीं, या कुत्ते के साथ जीवन बिताना है? दूसरों को कहना आसान है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम क्यों यूरोप चली गई थी जब तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की थी? मैं अब्रॉड पढ़ना चाहती थी और माँ की शादी के बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई था, इसीलिए हिम्मत कर पाई मैं। इसलिए चाइना में बच्चों और माँ बाप के रिश्तों के बीच में इतना स्ट्रेस है, एक दूसरे के लिए सोचते रहते हैं और कुछ कर नहीं पाते, बस कुर्बानी देते रहते हैं। हम अपनी लाइफ अच्छी तरह से क्यों नहीं जी सकते बिना एक दूसरे पर बोझ डाले? हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। यांग और मेरा सच में कुछ हो सकता है क्या? मैं यही सोच रही थी बहुत देर से। एक काम करते हैं, यांग आंटी के बारे में सब पता करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या करना चाहती हैं, कैसे रहती हैं। आपका बेटा हेल्प नहीं करता तो क्या हुआ, हम ये काम खुद कर लेंगे। हमें पहले बस ये सोचना है कि उनसे जाके बात कैसे करें, हम उनकी किसी सहेली से बात करें। हुआ, मुझसे फिर से लड़ने आए हो? सच सच बताओ, तुम कब से पापा से बात कर रही हो? झूठ मत बोलना। तो तुम्हें ये लगता है मैं जानबूझकर उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई? ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रही हो, कुछ नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कभी अच्छा नहीं सोच सकते क्या तुम? तुमसे बदला लेना होता तो तुम्हारे सामने के फ्लैट में रहती, लड़ना होता है तो कुछ सोचती नहीं, लेकिन तुमसे लड़ना नहीं है मुझे। तो मेरे पापा का इतना ख्याल क्यों रखने लग गई हो, क्या प्लान है तुम्हारा? शुरू में जब मुझे पता चला था वो तुम्हारे पापा हैं, तब सोचा था इतना अच्छा मौका है तुम्हें परेशान करने का, लेकिन जब उनसे ज्यादा बात हुई तो उनकी हेल्प करने का मन किया पार्टनर ढूंढने में। वो बहुत अकेले हैं। तुम क्या करना चाह रही हो, क्या जानती हो उनके बारे में? वो बहुत अकेले हैं, उन्होंने मेरी माँ को बहुत तंग किया। पता है इतने चुप क्यों हैं? क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता और उन्हें सुनाने के लिए कोई नहीं मिलता, और तुम्हें उनकी तकलीफ दिखती है। ये तुम बूढ़े हो क्या? पता है बूढ़ा और अकेला होना कैसा होता है, बुढ़ापे में अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। तुम्हें लगता है उन्होंने पाप किया है कोई? जब हमारी शादी होती है तो कितनी बातें सोचते हैं पार्टनर के लिए, कि वो बीमार ना हो, बुरा ना हो, फ्यूचर में ठीक रहे, ये भी कंफर्म करना चाहते हैं कि धोखा नहीं देगा। चेंग हाउ तुम लोगों को मिलाते हो, पर क्या तुम्हें खुद प्यार पर विश्वास है या नहीं? ओह हाँ, विश्वास, लेकिन लोगों पे नहीं है। अच्छा, तो इस बात पर फ्री ड्रिंक, वो भी मेरी तरफ से। मैं ये नहीं पीता। मेरे पास यही है। मेरी माँ मिसेस लुई नाम है उनका, वो नर्स का काम करती थी। आईसीयू में कई सालों तक हेड नर्स रही हैं वो। उन्होंने ना एक बार मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी। कई लोग एक्सीडेंट के बाद कोमा में चले जाते हैं, और जब कोमा से बाहर आते हैं, अगर औरत है तो सबसे पहले यही पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा पति कहाँ है। और आदमी सबसे पहले कोमा से निकलते ही क्या पूछता है पता है? क्या मतलब? वो अपनी पैंट चेक करते हैं कि सब ठीक है। सच में, इसलिए भरोसे वाला आदमी मिलना सबसे मुश्किल है। औरत भी ना, वो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती है। अरे वाह, चलो किसी बात पर तो हम एक दूसरे से सहमत हुए, तो कमाल हो गया।
ये पीकर चले जाना। अंकल की हेल्प तो मैं जरूर करूंगी।